ट्रायथलॉन कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज की गतिविधि कर रहे हैं। इसमें हमें एक घेरा बनाना है जो कि आप सभी ने बना लिया है। मैं कुछ जानवरों के या पक्षियों के नाम बोलूंगी, जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके ऊपर जब आपको वे नाम सुनाई देंगे, जैसे हम बोलेंगे तोता उड़, मैना उड़, तो आपको हाथ उठाना है। जो बच्चा गलत हाथ उठाएगा वो कविता या कहानी सुनाएगा कोई, या कोई चुटकुला सुनाएगा। समझ आया सबको? Yes, सबको समझ आया? Yes, तोता उड़, मैना उड़, भैंस, जिसने भैंस उड़ाई, मायरा कहानी सुनाओ या कविता या चुटकुला कोई कुछ सुनाओ। बीच में खड़े हो सुनाओ, वही बीच में खड़े हो जाओ। जोर से क्लैपिंग करो सभी मायरे के लिए। वेरी गुड। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तोता उड़, मैना उड़, चील उड़, बाज उड़, भैंस मिसबा, काफिया और मिसबा। पहले मिसबा आ जाओ, फिर चलो काफिया आ जाओ, आप सुनाओ। थोड़ा तेज आवाज में बोलना। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए। मिसबा, एक राजा था, वे बहुत आलसी था। एक दिन वो बीमार पड़ गया और वे डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि मुझे ऐसी दवाई दो जो मैं सुस्त हो जाऊं। उसने नथ में मार दूंगा। उसने कहा कि उन्हें एक दवाई दी कि अब इसको रात में ले लेना। उसने दवाई ली, मैं सुस्त हो गया। वेरी गुड। आप सभी को समझ आया ना? आपको कोई ना कोई कविता या कहानी याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको गतिविधि करनी है तो उसमें कभी भी बोलनी पड़ेगी। इससे आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास। ओके।